हेलो एवरीवन दिस इज़ दीपिका वेलकम बैक आप देख रहे हो स्टडी विथ कंफर्ट एंड आज हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया दैट इज़ कैग हम जिसे कैग के नाम से जानते हैं सो कैग का नाम सुनते ही आपके जो दिमाग में जो रिकॉल हो पाता होता है वो बहुत सारे घोटाले बहुत सारे स्कैम्स आप याद कर पाते होंगे चाहे वो टू जी स्कैम हो चाहे वो कॉमनवेल्थ घोटाला हो या चाहे वो सत्यम घोटाला हो तो जिस तरीके के फ्रॉड हमने देखे विटनेस किए हैं तो इस तरीके का जब भी हम सी का नाम सुनते हैं इस तरीके के सारे घोटाले सारे स्कैम्स हमें आ जाते हैं हाईलाइट हो जाते हैं राइट तो कैग हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ सिटीज़न भी हमें पता होना चाहिए कि ये कैसी अथॉरिटी है किस किस तरीके से काम करती है राइट right? तो आज के टॉपिक uh, uh, जो वीडियो में हम पूरा कैक के बारे में डिस्कशन करेंगे ये बेसिक इंट्रोडक्शन है इंट्रोडक्शन से पहले मैं बताना चाहूँगी आपको ये कि आज के वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं राइट right? तो सबसे पहले हम बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे देन हम सी uh, के बारे में जो हम इसका कैसे ये अथॉरिटी केम इन टू एग्जिस्टेंस सो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है इवन प्री इंडिपेंडेंस इरा में जब इंडिया एक ब्रिटिश कॉलोनी थी तब जो कैग की अथॉरिटी uh, थी या ऑफिस थी किस तरीके से एग्जिस्ट करती थी और कैग की ऑफिस किस तरीके से इवॉल्व हुई है ये हम देखेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस इरा का देन अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल कैसे होता है कैक का इसके बाद से आप ये देखेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हैं कैक से रिलेटेड वो क्या हैं फ़ंक्शन एंड पावर डिस्कस करेंगे ऑडिट रिपोर्ट डिस्कस करेंगे जो कैक प्रिपेयर करते हैं इसके बाद से दूसरे कौन से फंक्शन है जो कैग परफॉर्म करता है इसके बाद जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने यहाँ मेंशन नहीं की है वो ये है कि जो कैग की लिमिटेशंस क्या है शॉर्टकमिंग्स क्या है मतलब ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ ये कोल ब्लॉक या टू जी स्पेक्ट्रम ही स्कैम हुए होंगे बहुत करप्शन होता है इंडिया में बट स्टिल कुछ हाईलाइट्स हो पाते हैं कुछ नहीं हो पाते हैं तो क्या शॉर्ट हैं कैग की ऑफिस में क्या चैलेंजेज हैं क्या और पावर दी जानी चाहिए फिर विनोद रॉय की जो हम कमेटी uh, इस्टब्लिश की गई थी कि कैक को किस तरीके से इम्प्रूवमेंट किए जाएँ तो उनकी रिकमेंडेशन को हम इंक्लूड करेंगे ये एडिशनल पॉइंट है राइट right? जो मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया तो इतना कुछ आज हम वी, इस वीडियो में छोटी वीडियो में पढ़ने वाले हैं और मैं बहुत सारे एग्जांपल्स यूज करूँगी ये क्वेश्चंस हैं जो आपके बीए सेमेस्टर में पूछा गया है ऑलरेडी मैंने ये आपका आ, इस बुक आप देख रहे होंगे मैंने यहीं से ये क्वेश्चन पेपर उठाया आ, ये क्वेश्चन उठाया है आपका जो आपके टॉपिक से पूछा गया है सो एग्ज़ामिन द रोल ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इन इंडिया तो रोल एग्जामिन करना है रोल को तो so, अब आप इसमें आपको थोड़ा बहुत लिमिटेशंस या शॉर्टकमिंग्स भी मेंशन करनी पड़ेंगी अब इस आंसर को सपोर्ट करने के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस भी देने पड़ेंगे अब जब हम रोल डिस्कस कर रहे हैं तो रोल में सब चीज़ें अच्छी तो नहीं होंगी ना तो जो वेरियस एग्जांपल्स हैं चाहे वो टू जी स्कैम का हो वो चाहे वो कोल ब्लॉक एलोकेशन से रिलेटेड हो या सत्यम घोटाला हो ये सारे एग्जाम्पल भी मैंशन करोगे इस आंसर में इसके साथ साथ जो कमेटी बनाई गई थी इसके लिए उसकी रिकमेंडेशन को भी हम इंक्लूड करेंगे तो वन मोर थिंग मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो कि ना मेरा कभी ये नहीं है कि आप सिर्फ पास हो जाओ अपने एग्जाम में आप अप, अपने अच्छे मार्क्स लाओ एग्ज़ाम में मेरा ये मकसद है और ट्रस्ट मी गाइस अगर इस तरीके की चीज़ें आप एक्स्ट्रा चीज़ें अपने आंसर में डालोगे बी सेमेस्टर में बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और कभी होगा तो मैं अपनी मार्कशीट आपको दिखाऊंगी कि मुझे मार्क्स कितने अच्छे मिले थे और ये मेरा एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही मैं बोल रही हूँ अब मैं आपको अपना बताऊंगी कि मैं मैंने कैसी चीज़ें ऐड की थी और मुझे भी किसी ने सजेस्ट किया था कि आप किस तरीके से अपने आंसर को इम्प्रूव कर सकते हो और उसका रिज़ल्ट भी मुझे मिला था तो चलें आगे हम लोग तो शुरू करते हैं हम इंट्रोडक्शन से दैट इज़ कि सी uh, ए का मेन जो बैकग्राउंड है वो क्या है तो हम एक कंटेक्सट एक बैकग्राउंड बनाएंगे तो करप्शन परसन परसेप्शन इंडेक्स 2021 रीसेंट रिपोर्ट है इसको ज़रूर मेंशन करना जिसमें इंडिया की रैंक 85 है अब इसका मैंने वेबसाइट पे भी खोल रखा था अगर आप करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है जिसमें कंट्री वाइज रैंकिंग देता है ये करप्शन uh, से रिलेटेड जो पब्लिक करप्शन होता है तो इंडिया की रैंकिंग कितनी है एट्टी यह है 2021 का राइट तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है ये रिपोर्ट निकालती है करप्शन का इंडेक्स और यहाँ पर हमने इंडिया की रैंकिंग देखी कितनी वर्स्ट है तो जो यहाँ पर इस कंटेक्स्ट में जब देखा जाए तो जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की जो ऑफिस है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है क्यों क्योंकि आप अगर कैग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सही से करेगी या कैग को इंडिपेंडेंट वर्क करने दिया जाएगा तो इस तरीके के करप्शन को एक्सपोज किया जा सकता है और जब एक्सपोज किया जाएगा फ्रॉड को करप्शन को तो धीरे धीरे से करप्शन कम हो जाएगा राइट तो इस तरीके से आप देखो कि ये सब एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जो आप अपने आंसर में मेंशन करोगे और कोई मुश्किल नहीं होती है इन सब चीज़ों को फाइंड आउट करना बहुत आसान होता है तो यही एक्स्ट्रा पॉइंट्स थे जो मैं अपने आंसर में मेंशन करती थी और मुझे सच में मतलब बहुत अच्छे मार्क्स मिलते थे आई वाज वन ऑफ द टॉपर इन माय बैच तो इस तरीके का पॉइंट्स uh, आपको भी मेंशन करने हैं तो शुरू कर रहे हैं हम लोग कि करप्शन का सिनेरियो क्या है इंडिया में क्यों हमारी कैग की जो ऑफिस है वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है तो देख लिया आपने ना कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग बहुत ही लो है दैट इज़ 85 आउट ऑफ 176 सेवेंटी सिक्स तो इस तरीके के करप्शन और जो ये जो करप्शन है जो ज़्यादातर करप्शन है वो किससे रिलेटेड होते हैं लिंक होते हैं पब्लिक फ़ंड से हम आप जो टैक्स पे करते हैं राइट हमारी फ़ैमिली टैक्स पे करते हैं उन टैक्स का ही गवर्नमेंट है फर्दर डेवलपमेंट में यूज़ करती है उस रेवेन्यू को उस टैक्स के कलेक्शन पैसे को राइट right? अब इसी यहीं पर करप्शन होता है ये आप ये इमेज देख पा रहे हो कि वेल well डिस्क्राइब कर रही है करप्शन के सिनेरियो को ये पैसे हमारे आपके द्वारा जैसे लोगों से दिए का दिए गए पैसे हैं जो ये अथॉरिटी अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए पैसे लेते हैं ताकि किसी डॉक्यूमेंट्स को पास कर सकें साइन कर सकें उसमें क्योंकि इनके पास अथॉरिटी है गेटिंग इट तो ये जो करप्शन है दैट इज़ लिंक्ड टू द पब्लिक फ़ंड और यहाँ पर इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि जो कैग uh, है इसके रोल को हम री लुक करें फिर से देखा जाए कि इसमें क्या कमियां हैं जिससे कि हम इस तरीके के जो स्कैम्स हो रहे हैं उन्हें और एक्सपोज कर सकें लिमिट इन्हें कम कर सकें ओके okay, सो so इसमें एक कोटेशन और इंक्लूड करना दैट इज़ बी आर अम्बेडकर की uh, का थॉट था या एक कमेंट था इस कैग को लेकर कि जो कैग है ना दिट दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफिसर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मतलब पूरे कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में सबसे इम्पॉर्टेंट ऑफिस या ऑफिसर किसे बोला था अम्बेडकर जी ने कैग को जो हमारा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होगा सो दिस ऑफिसर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्यों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो पब्लिक फ़ंड है जो पब्लिक पर्स का पैसा है ना वो उसको किस तरीके से खर्च किया जा रहा है और वो वो जो खर्च किया जा रहा है पैसा तो उस उस तरीके से है कि नहीं जिस तरीके से पार्लियामेंट ने वोट किया था फॉर एग्ज़ाम्पल बजट में हमने जो पैसे एलोकेट किए थे उसमें पूरा प्रॉपर स्कीम्स होती हैं प्रॉपर फिगर होता है कि कितने करोड़ रुपीस किस स्कीम के लिए एलोकेट किए गए और वो उस मैनर में खर्च हो रहे हैं या नहीं कि जो ये जो जो एग्जीक्यूटिव हैं जो ऑफिसर्स हैं जो अथॉरिटीज़ हैं जो पैसे का एग्जीक्यूशन कर रहे हैं कि वो अपनी जेब जेबें भर रहे हैं ये देखना मेन काम है तो बी आर अम्बेडकर के अकॉर्डिंग जो कैग की ऑफिस है दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ़िस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो इस चीज़ को भी मैंशन करना आप अपने आंसर में इंट्रोडक्शन में तो क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी दे दिया इसे प्रैक्टिस करना इस वीडियो को देखने के बाद में तो अब ये हमारे एग्जांपल्स हैं जैसे कि टू जी स्कैम कोल बैक एलोकेश कोल ब्लॉक एलोकेशन का दिल्ली एयरपोर्ट का जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो स्कैम था ये सारे तो इन सारे स्कैम्स को आप जैसे विजय माल्या का हो गया एग्जाम्पल या नीरव मोदी का एग्जाम्पल हो गया इस तरीके के एग्ज़ाम्पल आप अपने आंसर में मैंशन करना एक्सप्लेन करना राइट right. आ एक स्टूडेंट मुझसे पूछ रहा था कि मैम जो पॉइंट्स आप प्रोवाइड करते हो क्या ये इनफ है तो पॉइंट्स एनएफ़ हैं नो डाउट बट जब 15 मार्क्स का आपको लिखना होता है पाँच छः पेज का आंसर तो क्या सिर्फ इतने पॉइंट्स लिख दोगे हो जाएगा नहीं होगा ना बट ऑब्वियसली आपको एक्सप्लेन करने पड़ेगा फर्दर एग्जाम्पल्स देने पड़ेंगे अब मैं हर पॉइंट को प्रॉपर एक्सप्लेन करके यहाँ वीडियोज़ नहीं बना सकती बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी और आपके लिए आप भी नहीं देखेंगे इतनी बड़ी वीडियो तो मेरा काम है आपको गाइड करना आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स प्रोवाइड करना फर्दर आपको अपना दिमाग इस्तेमाल करना है अपना दिमाग भी लगाना है कि कैसे हम इसे एक्सटेंड करें राइट right, अब मेन आते हैं हमारा जो कैग है इसके कि हु इज़ दी कैग इस पॉइंट को अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो कैग क्या है आर्टिकल 148 फोर्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज द कैग इज़ कंसर्न तो 148 में जब आप देखोगे तो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी इस्टैब्लिश करने की बात करता है इन द नेम ऑफ कैग राइट right? सो so ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल एंड इंडिपेंडेंट अथॉरिटी हो गई सो दिस इज़ क्लियर राइट इसके बाद से जो आपका जो कैग होगा दैट इज़ दी हेड ऑफ इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट और हमारा जो गार्जियन है पब्लिक पर्स का ओके okay. इसके बाद से फर्दर हम देखेंगे किस तरीके से ऑडिट और अकाउंट को सेपरेट किया गया है 1976 में अभी हम फर्दर देखेंगे सो so कैग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ड्यूटी है दैट इज़ टू इस्टेब्लिश द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट गवर्नमेंट का यहाँ पे मतलब है एग्जीक्यूटिव ओके okay, अभी प्रेजेंट में हमारे जो हैं कॉन्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल दैट इज़ श्री गिरीश चंद्र मुर्मो ओके सो इस ये भी आप मेंशन कर सकते हो कि करंट में कौन है इस पोजीशन में सो so अगर अपॉइंटमेंट एंड टर्म एंड रिमूवल की बात करें कैक की तो कैक को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसके बाद से जो इनका टर्म रहता है पीरियड वो सिक्स ईयर्स के लिए अपॉइंट किए जाते हैं या तो एज ऑफ सिक्सटी फाइव जो भी पहले हो जाएगी ओके okay. इसका मतलब ये है कि अगर उन्होंने छः छः साल का जो टर्म है इनका उसको कंप्लीट करने से पहले ही वो सिक्सटी फाइव ईयर्स के हो जाते हैं तो उन्हें वो रिटायर की कंडीशन में आ जाएंगे देन अपना रेजिग्नेशन किसे देते हैं प्रेसिडेंट को और कैक को रिमूव किया जा सकता है उनकी ऑफिस से बाय दी प्रेसिडेंट और कौन से ग्राउंड पे रिमूव किया जाएगा इन दी सेम ग्राउंड जैसे कि जज ऑफ़ द सुप्रीम कोर्ट को रिमूव किया जाता है अब जज ऑफ़ द सुप्रीम कोर्ट आपने देखा है इसको ऑलरेडी कि मिस बिहेवियर या इनकैपेसिटी के नाम पे इन्हें हटाया जाता है इसके लिए रेजोल्यूशन लाया जाता है हमारे हाउस पार्लियामेंट में फिर उसे हम ना मेजो इस्पेशल मेजोरिटी के साथ पास करते हैं उस बिल को तो इस तरीके से हटाया जाएगा तो ये भी ध्यान रखना है छोटी छोटी चीज़ें फिर है एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हम जो इंडिया में कैग की ऑफिस है वो कैसे डिफरेंट है ब्रिटेन की कैग की ऑफिस से अब ये एक्स्ट्रा पॉइंट हो गया मैंने जनरली ऑब्जर्व किया है जब मैं कॉपी चेक करती हूँ स्टूडेंट की तो मैंने देखा कि जो स्टूडेंट हैं ये बहुत कम स्टूडेंट होते हैं जो एक्स्ट्रा पॉइंट से एक्स्ट्रा डायमेंशन मैंशन करते हैं अब ये जो कैग अगर हम इंडिया इंडियन कैग की ऑफिस को ब्रिटेन की कैग की जो ऑफिस है उसके साथ कंपैरेटिव स्टडी करके दो चार पॉइंट्स एक्स्ट्रा मेंशन कर देते हैं आपको दो तीन मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे ही मिलेंगे फॉर श्योर sure है ये तो अगर आपने ये मेंशन कर दिया कि कुछ तो आपने अलग किया ना अपने जो आपके बैचमेट्स हैं उनसे और फिर ये ये इंपॉर्टेंट चीज़ है ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ आप अलग करने के लिए कर रहे हो आपके आंसर को कॉम्प्रिहेंसिव बनाता है ये सारे पॉइंट्स सो so, अब देखते हैं कि डिफरेंट कैसे है तो इंडिया में जो कॉन्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की ऑफिस है आप देखोगे कि नाम तो भले ही उसका कॉन्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है बट रोल किसका रहता है सिर्फ ऑडिटर जनरल का रोल है नाम भले ही हमने सी रखा है पर जो ड्यूटीज़ होती हैं इंडिया में क्या ऑफिसर की वो ऑडिटर जनरल के रूप में परफॉर्म करता है ना कि कंट्रोलर जैसे कि ब्रिटेन में होता है सो so, ब्रिटेन में जो कैग ऑफिसर है वो कंट्रोलर एज वेल एज ऑडिटर जनरल दोनों की ड्यूटीज़ परफॉर्म करता है अब इनमें अंतर क्या है दोनों का नेक्स्ट देखते हैं तो इंडिया में आप देखोगे कि जो कैग है वो ऑडिट करता है अकाउंट्स का वो भी कब जब एक्सपेंडिचर हो चुका होता है ऑलरेडी इट इज़ जस्ट लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक स्कीम लेते हैं जनरली हम एक स्कीम लेते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ राइट तो उसी को देखते हैं तो इस स्कीम्स में आप देखेंगे कि जैसे मान लीजिए हंड्रेड करोड़ रुपीस को एलोकेट किया गया हम एग्जांपल्स ले रहे हैं एग्जैक्ट फिगर भी नहीं है ये आप एग्ज़ाम में जब भी लिखोगे बजट से देखकर कर एज इट इज़ एग्जैक्ट फिगर लिखोगे ओके तो हंड्रेड करोड़ रुपीज़ दिए गए थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को अब ये हंड्रेड करोड़ रुपीज़ जब ख़त्म कर दिए जाते हैं एक साल बाद जब इनको ऑडिट होगा इस स्कीम के अकाउंट्स एंड ऑल का एक्सपेंडिचर का तो जो ऑडिटर जनरल होंगे वो क्या करेंगे इसका कि हाँ ये एक्सपेंडिचर सही अप्रोप्रिएट मैनर में हुआ है या नहीं हुआ है ओके तो ये चीज़ें चेक होंगी बस मतलब एक्सपेंडिचर हो गया है कमिट कर दिया गया है तब ऑडिट किया जा रहा है इसका ब्रिटेन में इसका इसके अलावा ये ये स्टेप तो होता ही है कि हाँ ऑडिट होगा जब एक्सपेंडिचर हो जाएगा लेकिन इसके पहले का भी स्टेप होता है जो ये हंड्रेड करोड़ रुपीस एलोकेट किए गए थे तो ये बिना कैग के अप्रूवल के नहीं किया जाएगा सो इन द यूके नो मनी कैन बी विद्रॉन फ्रॉम द पब्लिक एक्सचेकर विदाउट द अप्रूवल ऑफ़ कैग ये ध्यान रखना है तो ये फर्स्ट स्टेप है तो इंडिया में अप्रूवल की अब जो कैग है इसे अप्रूवल नहीं लिया जाता कि हम हंड्रेड करोड़ दें या नहीं दें राइट right? इंडिया में सिर्फ सेकेंड स्टेप होता है दैट इज़ कि जब एक्सपेंडिचर हो चुका होता है तो उसका ऑडिट किया जाता है कि एक्सपेंडिचर अप्रोप्रिएट मैनर में किया गया है या नहीं सो होप यू गॉट दी डिफरेंस सो डिफरेंस इज़ क्लियर ना सेकेंड डिफरेंस ये है कि जो कैग है इंडिया में वो पार्लियामेंट का मेम्बर नहीं होता है जबकि ब्रिटेन में जो कैग ऑफिसर होता है वो हाउस ऑफ कॉमन का मेम्बर होता है गेटिंग इट तो ये एक दूसरा इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है इसे ध्यान ध्यान रखना तो ये कुछ रिपोर्ट्स हैं मैं अभी फर्दर डिटेल में और भी डिस्कस करूँगी सो नेक्स्ट जो सब कैटेगरी है कि हाउ डिड द ऑफिस ऑफ कैग केम इन टू एग्जिस्टेंस राइट सो आप देखोगे जो कैग की ऑफिस है कैसे कैसे, कैसे इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ कैसे इवॉल्व हुई हम ये देखते हैं तो प्री इंडिपेंडेंस का पहले हम देखेंगे कि 1858 आपको याद होगा 1858 एक्ट लाया गया था और ये एक वो एक्ट था ब्रिटिशर्स का जिसमें से ब्रिटिश ने एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो था इंडिया का वो टुक ओवर किया था किससे ईस्ट इंडिया कंपनी से क्यों ये क्या था उस उस टाइम की सिचुएशन अगर आपको याद आ रहा हो कि अठारह की क्रांति कहीं ना कहीं तो आपने सुनी ही होगी ना अठारह की क्रांति तो अठारह की क्रांति के बाद आपने देखा था कि किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव को जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था इंडिया का उसको री किया गया था और इस री की प्रोसेस में जो ब्रिटिश अथॉरिटी थी ब्रिटिश पार्लियामेंट थी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी इसने एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल को अपने हाथ में ले लिया था ब्रिटिश ईस्ट जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उससे ओके तो ये आप देखोगे कि 1860 में जाकर सर एडवर्ड ड्रोमन थे उनको फर्स्ट ऑडिटर जनरल के रूप में अपॉइंट किया गया था फिर धीरे धीरे जो इस ऑफ़िस को रिस्ट्रक्चर करना कंटिन्यू रखा गया सो ऑडिटर जनरल को कहा जाने लगा ऑडिटर एंड अकाउंटेंट जनरल ऑफ गवर्नमेंट इंडिया इसके बाद जो 1884 में जाकर Uh, 86, सिक्स uh, में पोजीशन को रीनेम किया जाता है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। देन 84 में फिर से रिज़ाइन किया रीडिजाइन की गई ऑफिस को जहां पर इसे बोला गया कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इंडिया लास्ट में लगा दिया गया फिर 1919 एक्ट जो आया था उसमें से uh, जो ये ऑडिटर जनरल है इसे इंडिपेंडेंट ऑफ़िस बना दी गई थी मतलब अभी गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंट रहकर काम कर पाएगा फिर 1935 एक्ट से कुछ और जो इस ये पोजीशन थी इसको और स्ट्रेंदन किया गया था फर्दर फिर इसके बाद से 1947 में जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल जाती उसके बाद की सिचुएशन देखते हैं कि क्या थी तो आ, आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉपर प्रोविजंस दिए गए थे जो भी CAG से रिलेटेड थे सो so, आर्टिकल 148 में मेंशन किया गया कि यहाँ यह, यहाँ एक कैग ऑफिस है उसको इस्टेब्लिश किया जाएगा ओके okay? तो इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के साथ शुरुआत होती है सी की और uh, 1971 में एक्ट लाया जाता है आपका जो एक्ट रहता है कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ड्यूटीज़ पावर कंडीशन ऑफ सर्विसेज एक्ट 1971 ये इस एक्ट का पूरा नाम है जिसपे जो सीएजी की रिस्पांसिबिलिटी क्या होंगी एकाउंटिंग ऑडिटिंग की ड्यूटीज़ सारे प्रोविजंस को इस एक्ट में प्रॉपर लाया गया फिर 1976 में जाकर एक और चेंज होता है फर्दर जहाँ पर कैग को अकाउंटिंग फंक्शन से अलग कर दिया गया अब कैग के पास क्या ड्यूटी बचती है केवल ऑडिट करने की ओके okay? अब कैग सिर्फ ऑडिट करेगा जितने भी अकाउंट्स होंगे उनको ओके सो फर्दर चलते हैं कि व्हाट आर दी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिगार्डिंग टू कैग अब हमारा ये आ गया कि हाँ जो हमने देखा ना कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया जब हमें इंडिपेंडेंस मिली तो आर्टिकल 148 जो बात करता है कि कैग का अपॉइंटमेंट ओ कंडीशन ऑफ सर्विसेज़ क्या रहेंगी आर्टिकल 49 बात करता है ड्यूटीज़ एंड पावर क्या होंगी सीएजी की आर्टिकल 50 बात करता है कि जो कैग है ये अकाउंट्स ऑफ द यूनियन एंड स्टेट दोनों को चेक करेगा उनमें एडवाइस देगा राइट इसके बाद से 51 कहता है कि जो कैग की रिपोर्ट्स होंगी राइट right, वो सबमिट करेगा प्रेसिडेंट को और प्रेसिडेंट फर्दर इसे पार्लियामेंट में रखेंगे और जो स्टेट के अकाउंट्स की रिपोर्ट्स होंगी वो गवर्नर को सबमिट करेगा और गवर्नर उसे स्टेट लेजिस्चर्स में फर्दर रखेंगे आर्टिकल 279 तो इस तरीके के ये आर्टिकल भी मेंशन करना बहुत ज़रूरी है यही चीज़ें होती हैं जो आपके आंसर को एक्स्ट्रा पॉइंट्स दिलाती हैं ये एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाते हैं राइट तो ये ज़रूर मेंशन करना सो so, ये सब नोट कर लें ऐसा नहीं कि आपने सुना और आ, मतलब इसीलिए मैं कहती हूँ पेन और कॉपी लेकर बैठो तो पॉइंट्स नोट करते जाओ शॉर्ट नोट्स बनाते जाओ ओके हाँ नेक्स्ट है ड्यूटीज़ ऑफ दी कैग एंड वन ड्यूटीज़ को डिस्कस करने से पहले मैं एक और मेरे मतलब एक आइडिया है मेरे दिमाग में कि क्यों ना हम लाइव क्लासेस करें और हम जिसपे जो आपके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस किए गए ना उनको रीस्ट्रक्ट मतलब एक तरीके से फ्रेमिंग करें स्ट्रक्चरिंग करें जैसे कि मान लीजिए यही क्वेश्चन पूछा गया है तो इसमें हम लोग यही लिखेंगे जिसे एग्जामिन द रोल ऑफ सी ए जी इन इंडिया राइट तो हम इसका पूरा लाइव क्लास करें आप मुझे ज्वाइन करेंगे और हम इस जो क्वेश्चन है इसको फ्रेम करेंगे इसका आंसर कि क्या क्या पॉइंट्स इसमें मैंशन किए जाने चाहिए क्या क्या एग्ज़ाम्पल्स दिए जाने हैं और एडिशनल पॉइंट्स जैसे जनरल मार्किंग मिल गई आपको पंद्रह नंबर में मान लीजिए सात आठ नंबर मिल गए आपको अब इस सात आठ नंबर को आपको ग्यारह नंबर बनाने पंद्रह में बारह नंबर बनाने तो आप ये कैसे करोगे सो आउट ऑफ फिफ्टीन इफ़ यू वॉन्ट टू गेट ट्वेल्व मार्क्स थर्टीन मार्क्स इसके लिए आप अपने आंसर को फर्निशिंग कैसे करोगे फर्निशिंग आपको पता है हम खाना जैसे हमारा जो फूड होता है हम उसको फर्निश करते हैं ना उसमें धनिया डालते हैं पुदीने की पत्ती रखेंगे उसमें राइट अनारदाना डालेंगे इस तरीके से हम फर्निश करते हैं ना अपने फूड्स को ताकि वो अच्छा दिखे तो इसी तरीके से हम अपने आंसर में एक्स्ट्रा चीज़ें क्या करें तो ये एक आइडिया है मेरे दिमाग में अगर आप चाहोगे तो मुझे कॉमेंट ज़रूर करना कि हम लाइव क्लासेस करें और डेली हम एक या दो आंसर की फ्रेमिंग करें इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा ट्रस्ट मी राइस तो लेट मी नो इन टू द कॉमेंट बॉक्स ओके तो फर्दर चलते हैं कि ड्यूटीज़ क्या हैं जब हमने पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न समझ लिए हैं सो कैग की जो ड्यूटीज़ हैं वो क्या हैं सो कैग आपको पता है कि उन सारे एक्सपेंडिचर के अकाउंट्स को ऑडिट करता है जो रिलेटेड होते हैं हमारे कौन सी जो कंसोलिडेटेड फ़ंड ऑफ इंडिया या कंसोलिडेटेड फ़ंड ऑफ स्टेट यूटीज राइट इन इस फंड को करता है दूसरा जो कैग ऑडिट करता है उन सारे एक्सपेंडिचर को जो रिलेटेड होते हैं कंटीजेंसी फंड से पब्लिक अकाउंट से राइट ये सारी चीज़ें इसके बाद से फर्दर कैग है वो ऑडिट करता है वो सभी ट्रेडिंग्स मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट लॉस जो बैलेंस शीट होती है गवर्नमेंट के अकाउंट्स की राइट जैसे पी एस यूज तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में पब्लिक इंटरप्राइजेस हमने पढ़ा था ना तो उसमें गवर्नमेंट के जो बिजनेसेस होते हैं फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट जो बैंक होती हैं उनकी भी बैलेंस शीट होती है ना जहां पर एसेट्स लाइबिलिटीज हम काउंट करते हैं तो उन बैलेंस शीट को चेक करना ये सारे ड्यूटीज होती हैं कैग की ओके okay, फिर रेसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल बॉडीज एंड अथॉरिटीज जैसे कि गवर्नमेंट के जो कॉर्पोरेशंस होते हैं गवर्नमेंट की कंपनीज होती हैं फिर इन सारी चीज़ों के अकाउंट्स एक्सपेंडिचर को ऑडिट करना फिर इसके बाद से जो कैग है वो रिपोर्ट बनाता है तीन इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स कैग प्रिपेयर करता है पहली है ऑडिट रिपोर्ट ऑन द अप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑडिट रिपोर्ट ऑन द फाइनेंस अकाउंट एंड ऑडिट रिपोर्ट ऑन द पब्लिक अंडरटेकिंग्स ये तीन यूनियन की जो होती हैं रिपोर्ट्स होती हैं जो प्रेसिडेंट को देता है कैग एंड देन फर्दर प्रेसिडेंट इन रिपोर्ट्स को सबमिट करता है पार्लियामेंट में सो so, और स्टेट की जो रहेंगी वो गवर्नर को दी जाएंगी और गवर्नर लेजिस्लेटिव हाउस पे रखेगा उस स्टेट की ओके okay? सो so, ये रिपोर्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन हो गई तो अब हमने रोल ड्यूटीज़ और फंक्शन को अगर हमने समझ लिया तो अब इश्यूज चैलेंजेस क्या हैं कैग की ऑफिस को इतना क्रिटिसाइज़ क्यों किया जाता है ना कैग को पिंजड़ा कितनी बार केज्ड अथॉरिटी बोलते हैं इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने भी रिमार्क दिया है इसमें तो क्या प्रॉब्लम्स हैं सबसे इम्पोर्टेंट तो हम ये देखेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल provi, जो प्रोविजंस हैं जो ऑलरेडी प्रोसीजर्स हैं उनमें क्या खामियां हैं फिर हम इसके ऑपरेशन एंड वर्किंग स्टाइल में इसकी जो लिमिटेशन हैं वो देखेंगे तो जो आर्टिकल्स हमने अभी देखे 148 राइट वन फोर्टी नाइन फिफ्टी तो आप देखोगे कि इनमें जो क्वालिफ़िकेशन क्या रिक्वायर्ड है आप किसी मतलब जो अपॉइंटमेंट हम देखते हैं ना कि अपॉइंटमेंट कौन करता है प्रेसिडेंट करता है बट ऑबियसली जो प्रेसिडेंट है अपॉइंटमेंट किसके रिकमेंडेशन में करेंगे कैबिनेट जो होगी उसकी रिकमेंडेशन में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसकी रिकमेंडेशन में करेंगे तो जो 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 कैग का क्राइटेरिया है अपॉइंटमेंट का उसमें बहुत सारे इश्यूज हैं बहुत सारे शॉर्टकमिंग्स हैं जो प्रोसीज़र है सिलेक्शन का उसमें भी बहुत सारी खामियां हैं क्यों हैं अब पहले अपॉइंटमेंट देख लो कि कैसे होता है तो जो कैग को अपॉइंट किया जाता है उसका प्रोसीज़र ये होता है कि जो कैबिनेट सेक्रेटरी होता है ना वो एक लिस्ट प्रिपेयर करता है दो चार लोगों की ना एक शॉर्ट लिस्ट कि हाँ दीज पर्सनस आर हाँ इन्हें इन्हें ये किया जा सकता है फिर उस लिस्ट को जो शॉर्ट लिस्ट होती है वो फाइनेंस मिनिस्टर को प्रोड्यूस करते हैं देन फाइनेंस फाइनेंस मिनिस्टर उस लिस्ट को किसको देते हैं प्राइम मिनिस्टर को कि हाँ ये ये पर्सन है इन्हें बनाया जा सकता है अब प्राइम मिनिस्टर उन्हीं में से एक नाम को रिकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट को ऑन दी बिहाफ ऑफ कैबिनेट ओके देन प्रेसिडेंट उस पर्सन को अपॉइंट कर देते हैं सो so, आप यहाँ देख रहे हो कि जो कैक का अपॉइंटमेंट है कौन कर रहा है गवर्नमेंट ही कर रही है ना आपका कैबिनेट सेक्रेटरी इन्वॉल्व है कैबिनेट सेक्रेटरी तो भाई गवर्नमेंट के आधार पे ही काम करेगा देन फाइनेंस मिनिस्टर इन्वॉल्व है देन आपके प्राइम मिनिस्टर इन्वॉल्व हैं तो ये सब तो गवर्नमेंट हो गई तो जो कैग है वो किसके अकाउंट्स को ऑडिट कर रहा है गवर्नमेंट के अकाउंट को ही ऑडिट कर रहा है तो जब गवर्नमेंट ही कैग को अपॉइंट कर रही तो वो अपने ही किसी पर्सन को अपॉइंट करेंगे ना ताकि वो इनके फेवर में काम करें जनरली सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म, सबसे बड़ा एलिगेशन कैक पे यही लगता है कि जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है ये एक एग्जांपल मैं यहाँ पे देना चाहूँगी इन जो एक हमारे पुराने कैक थे मिस्टर शर्मा तो इनके ये डिफ़ेंस मिनिस्ट्री में बहुत ही की पोजिशन में रहे थे फिर वहाँ से इनको जहाँ पर इन्होंने डिसीज़न लिए थे जो हमारा एक वेस्टलैंड चॉपर डील हुई थी या जो हमारे टाट्रा ट्रक डील हुई थी कई सारी डील इन्होंने खुद की थी और फिर ये कैक कैग बन जाते हैं और फिर इन आ, ऐसी सिचुएशन बनती है कि जो ये डील हुई थी इनकी ऑडिट करनी थी तो जब इस जो डील है इनकी जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में ये की पर्सन थे ये खुद ही इन्वॉल्व थे और ये अपनी डील को ऑडिट करेंगे तो आप बताइए क्या सिचुएशन होगा मतलब चोर भी आप ही हैं और आप जज भी आप ही हैं तो आप अपने ही फेवर में डिसीजंस देंगे ना दिस इज़ गोइंग टू हैपन राइट तो इस तरीके की चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बहुत होता है सबसे बड़ा एलिगेशन लगता है कैग पे देन डायलूशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी तो वही बात हुई ना कि जब कैग को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही अपॉइंट कर रही है और गवर्नमेंट के ही अकाउंट ऑफ इंडिया के अकाउंट को ऑडिट कर रही है तो यहाँ पर जो अकाउंटेबिलिटी है उसका डायलूशन होता है सही से अपनी जो अथॉरिटी है इंडिपेंडेंट रहकर काम नहीं कर पाता कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस रहता है देन डिलेज एंड रिडक्शन द कैग रिपोर्ट्स जो कैग रिपोर्ट बनाती है उसमें बहुत डिले होता है आपको याद होगा राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत बहुत सारे लोग इंफॉर्मेशन मांगते हैं राइट right? कैग से रिलेटेड या रिपोर्ट से रिलेटेड बट उनके रिस्पॉन्स ही नहीं दिए जाते हैं इतना ज़्यादा डिले रहता है सो डिलेज एंड जो पेंडेंसी है वर्क की दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम देन लेस इंडिपेंडेंस ऑटोनॉमी नहीं है कैक के पास कि जैसे एक एग्ज़ाम्पल इसका है कि कैक के पास ये अथॉरिटी नहीं है पावर नहीं है कि जो रिपोर्ट्स हैं ऑडिट रिपोर्ट्स इसको पब्लिक में रिलीज़ कर पाएँ क्यों क्योंकि जब कैग है वो किसको रिपोर्ट दे रहा है प्रेसिडेंट को दे रहा है प्रेसिडेंट उसे पार्लियामेंट में रखते हैं बट पब्लिक डोमेन में कैग रिपोर्ट को रिलीज़ करे ये इसके पास पावर नहीं है तो कई बार होती है अगर गवर्नमेंट की मेजोरिटी है हाउस में तो रिपोर्ट सब ऐसे वैसे हो जाते हैं ठंडे बस्ते में पड़े रहते हैं कोई एक्शन नहीं लिया जाता देन पोस्ट एक्सपेंडिचर ऑडिट आपने देखा ना कि ऑडिट कब करती है कैग जब वो एक्सपेंडिचर ऑलरेडी किया जा चुका होता है जबकि ब्रिटेन में हमने देखा था कि ब्रिटिश जो कैग ऑफिसर है उससे अप्रूवल में भी हाँ ली जाती है अप्रूवल लिया जाता है फ़ंड का तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तो कुछ बहुत हमें यहाँ से चीज़ करनी चाहिए गवर्नमेंट इंटर इन एक्शंस जो है कि बहुत सारे रिकमेंडेशन कैक के, के द्वारा दिए जाते हैं बट गवर्नमेंट उनको ठंडे बस्ते पे डाले रहती है इग्नोर करती है इनकी सी ए जी की फाइंडिंग्स को राइट right. तो ये सारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं अब रिफ़ॉर्म्स की बात की जाए तो किस तरीके के रिफ़ॉर्म्स हैं तो जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हीं का सोलूशन दे दो बहुत सिंपल कि जैसे हमने पहला देखा कि क्वालिफिकेशन या प्रोसीज़र नहीं है जो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो प्रोसीजर्स है प्रोविजन से उसमें इम्प्रूवमेंट किया जाना चाहिए देन आप ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए अपॉइंटमेंट में राइट right? ऐसा नहीं है कि जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कैबिनेट सेक्रेटरी ने शॉर्ट लिस्ट फाइनेंस मिनिस्टर को दिया फाइनेंस मिनिस्टर ने पीएम को दिया बस हो गया अपॉइंटमेंट राइट right? तो इसमें ट्रांस कि, किस बेसिस पे आप अपॉइंटमेंट कर रहे हो किस बेसिस पे आप सिलेक्शन कर रहे हो ये होना चाहिए तो रिकमेंडेशन दी जाती है एक्सपर्ट के द्वारा कि एक हाई लेवल कमेटी बनाना चाहिए जिसमें अपोजिशन को भी इन्वॉल्व किया जाए स्पीकर को भी इन्वॉल्व किया जाए जिससे कि हम बेटर पर्सन को चूज़ कर पाएँ जो आ, इस पोजिशन के लिए मतलब कैपेबल हो राइट right? तो एक कमेटी बनाई जानी चाहिए ये बात की जाती है ना कि ये कैबिनेट सेक्रेटरी लिस्ट बनाए और फाइनेंस मिनिस्टर देन पीएम एंड प्रेसिडेंट ये गलत है लोगों एक्सपर्ट लोगों का कहना है देन जो डिलेज एंड पेंडेंसी है वर्क पे उसको रिड्यूस किया जाना चाहिए प्रायोरिटी बेसिस पे काम किया जाना चाहिए आरटीआई का रिस्पांस सही होना चाहिए ये सारे होने चाहिए तो विनोद राय के कुछ सजेशन दिए थे ये फॉर्मर सीएजी रहे हैं ऑलरेडी बहुत सारे इन्होंने एक्सपोज किए थे जो इनअप्रोप्रिएट या बहुत सारे स्कैम्स को इन्होंने एक्सपोज किया था तो इन इन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दी थी जैसे कि जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है मतलब जहाँ पर गवर्नमेंट एंड पब्लिक जो गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर पार्टनरशिप पे काम करते हैं ऐसे ट्रिपल पीज मॉडल कहते हैं तो इसमें इसको भी इसके अंडर में लाया जाना चाहिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को भी इसके अंडर में लाना चाहिए राइट इसके वजह से गवर्नमेंट फंडेड जो सोसाइटीज़ हैं उनको भी कैग के ऑडिट के जीरोडिक्शन में लाया जाना चाहिए फिर इनका फ़र्दर रिकमेंडेशन था कि जो कैग एक्ट है नाइनटीन सेवेंटी वन इसको थोड़ा सा चेंज करो ताकि हम पेस रख सकें किसके साथ जो चेंज इन गवर्नेंस है ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी में तो ट्वेंटी फ़र्स्ट सेंचुरी में आप देख रहे हो बहुत सारी चीज़ें डिजिटलाइज्ड डिजिटलाइज हो गई हैं डिजिटल तरीके से हो रही हैं डिजिटल पेमेंट ज़्यादा हो रहा है तो जो डिजिटल एक्सचेंज है वो ज़्यादा हो रहा है मनी का कई तरीके की न्यू मेकनिज़म्स आ गई हैं तो हम जो चेंजिंग इन गवर्नेंस है जैसे अभी गुड गवर्नेंस राइट एथिकल गवर्नेंस की बात होती है तो हम कैग को भी इसके कंपैरिजन में इम्प्रूव कर सकें तो इस तरीके की चीजें हो दूसरा कैग को अपॉइंटमेंट करने के रिकमेंडेशन दिया कॉलेजियम सिस्टम आप बना दो ना जो सेलेक्ट करता हो तो इस तरीके की इन्होंने कुछ रिकमेंडेशन थी इसे ज़रूर इंक्लूड करना अपने आंसर में दीज आर दी पॉइंट्स जो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाते हैं राइट जो आपकी कॉपी इवेलुएट करता है प्रोफेसर ना उसे लगता है कि नहीं नहीं आपने वाकई पढ़ाई की है और आप करेंट थिंग्स हैं ना उनसे भी आ, कहीं ना कहीं फैमिलियर हो तो अगर आप सिर्फ बुक रीडिंग करके चले जाओगे पुरानी बुक्स होगी जो आपने किसी सीनियर से ली होगी वो दस साल पुरानी तो उसमें ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी आपको तो आपको अपडेट रहना होगा आपको अब न्यू थिंग्स मेंशन करनी होगी अगर आप टॉपर की लाइन में आना चाहते हो तो देन कंक्लूज़न आप अपने आंसर को कंक्लूड करोगी कि हाँ बहुत सारी लिमिटेशंस हैं लेकिन इन पर अगर रिफॉर्म किया जाए और कुछ जो कमेटीज़ रिकमेंडेशन दे रही हैं उन्हें एक्सेप्ट किया जाए ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी के आधार पे इसे फिर से रीस्ट्रक्चर किया जाए तो इस तरीके से जो बी बी आर अम्बेडकर ने बोला था कि जो ये ऑफिस है ना सी ए जी की ये सबसे इम्पॉर्टेंट ऑफिस है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में तो हम इसे सही कर सकते हैं मतलब दिखा वाकई ये चीज़ प्रूव कर सकते हैं कि हाँ वाकई ऐसा है सो डेमोक्रेसी का एक इम्पॉर्टेंट पिलर है एंड दिस ऑफिस हमें शो करती है कॉम्बिनेशन ऑफ नॉलेज इंटीग्रिटी कमिटमेंट एंड फियरलेसनेस तो ये ज़रूरी है कि इस ऑफिस को हम थोड़ी सी पावर दें थोड़ी सी इंडिपेंडेंस इसकी मेंटेन करें ऑटोनॉमी दें जिससे कि गवर्नमेंट को हम अकाउंटेबल बना सकें ओके इस तरीके से आप अपने आंसर को कंक्लूड कर दोगे तो होप सो so, कि टॉपिक इज़ क्लियर टू यू गाइज और साथ ही साथ ये भी पता चला होगा कि किस तरीके से हम अपने आंसर को रीस्ट्रक्चर करें और वह फिर से मैं रिमाइंड कराऊंगी जो मेरा आइडिया था एक नया जो मैंने इनिशिएटिव लेने को सोचा है कि हम लाइव uh, क्लास करें हफ्ते में एक बार या दो बार जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं उनको फ्रेमिंग करना सीख सकते हैं कि हम आंसर कैसे लिखें एग्ज़ाम में अगर हमें अच्छे मार्क्स लाने हैं तो तो मुझे कमेंट में बताना क्या हम ये आइडिया एग्जीक्यूट कर सकते हैं अपनी सजेशंस भी आप मुझे दे सकते हो मोस्ट वेलकम ताकि हम इसे बेटर तरीके से कर पाएँ जो आपको वाकई बेनिफिशियल हो आपको जो वाकई में मतलब फ़ायदा पहुँचाए दैट इज़ माई ओनली एम ओके सो थैंक्स फॉर वॉचिंग सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो बाय बाय टेक केयर और हाँ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़ डू इट आप में से बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो मेरे वीडियोस देखते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते हो पता नहीं क्यों नहीं करते हो यार मतलब कर दिया करो ना क्या जाता है चलो रिक्वेस्ट ही है रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ ना मैं आपसे ओके बाय सी इन द नेक्स्ट वीडियो